नेशनल प्रेसिडेंट श्री एवी शुक्ला जी और श्री रंगाचार्य जी को मेरा सादर प्रणाम तथा सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। ये विषय लेने का मेरा उद्देश्य क्या था, इसके कुछ कारण हैं। वन डे अ यंग लेडी केम टू मी टू शो द हॉरोस्कोप ऑफ हर चाइल्ड। व्हेन आई सॉ द हॉरोस्कोप ऑफ हर चाइल्ड आई सॉ दैट लग्न लग्नेश इज एफ्लिक्टेड बाय सिक्स्थ हाउस लॉर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड हाउस वॉज ऑल्सो एफ्लिक्टेड। आफ्टर टॉकिंग टू हर आई केम टू नो दैट सी वॉज गेटिंग हर चाइल्ड ट्रीटेड इन एन autistic institution. This thought came in my mind that why not make this disease the subject of my research. I asked the principal if she can give me the birth details of the children. She promised to give. I also visited another institute and talked to them also. Without their cooperation, my work cannot be completed. My journey of research started from here. I am grateful to our Honorable President Sri A.V. Shukla ji, to whom I have shown my presentation. He had encouraged me to proceed further with my research and also helped me giving a few suggestions. Justice S.N. Kapoor ji, our former president, had been kind enough to talk to me on phone, and he suggested introduction of certain specific vargas in my research. My thanks to our former vice president, late Sri M.N. Kedarji, who spent his valuable time to advise me on how to assess planetary positions regarding autism causes. My guide, Sri Rangacharya ji, has always been guiding me in my ongoing research. Last but not the least, my grateful thanks are due to Srimati Anita Narayan ji, chairperson, Patna chapter, for encouraging me for the research. Without the cooperation of these gurus, it would not have been possible to work on this subject. यहाँ पर मैंने मेडिकल हिस्ट्री लेने का मेरा उद्देश्य ये है कि जिन वैज्ञानिकों ने ऑटिज़म के संबंध में महत्वपूर्ण खोज किए हैं वे हमारे कुंडली के भावों की ओर इंडिकेट करते हैं। 1911 से रिसर्च हुआ जिसमें यूगेन ब्लू एलर ने सबसे पहले इस पर खोज करने का प्रयास किया, तो उस समय उन्होंने इस बीमारी का नाम सिज़ोफ्रेनिया रखा था और ये रिसर्च कंटिन्यू होते रहा 2013 तक। तो इसमें कुछ खोज ऐसे तथ्य पाए गए जो हमारे कुंडली से बहुत कुछ मैच खाते हैं। तो ये जो शब्द आया ऑटिज़म शब्द, द टर्म ऑटिज़म फर्स्ट वाज यूज्ड बाय साइकेट्रिस्ट यूगेन ब्लू एलर इन 1908। He used it to describe a schizophrenic patient who had withdrawn into his own world. The Greek word autos means self, and the word autism was used by Blue Eller to mean morbid self-admiration and withdrawal within self. The pioneer in research into autism were Hans Asperger and Leo Kanner. तो 1943 में अमेरिकन बाल मनोचिकित्सक डॉक्टर लियो ने 11 बच्चों का अध्ययन किया। उन्होंने जो कुछ प्रमुख लक्षण बताए जो हमारे कुंडली के विभिन्न भावों से मेल खाते हैं, पहला जो उन्होंने खोज किया, बच्चों के सामाजिक बातचीत में कठिनाई, दूसरा दिनचर्या में बदलाव होने से कठिनाई, उत्तेजना के प्रति संवेदनशील, विशेष रूप से ध्वनि, भोजन के प्रति प्रतिरोध और एलर्जी, तीसरा वक्ता के शब्दों को दोहराना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि ये जो महत्वपूर्ण खोज हुआ है इसमें हम कुंडली के दो भावों की ओर इंगित हो रहे हैं, पहला तो स्पीच मतलब सेकंड हाउस, दूसरा कम्युनिकेट करना यानी थर्ड हाउस। तो ये दो महत्वपूर्ण खोज हम लोग को यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। हंस एस्पर्जस ने भी बच्चों के एक समूह पर अध्ययन किया, उन्होंने भी पाया कि बच्चे आपस में बातचीत में सक्षम नहीं होते हैं तथा सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। तो ये जो दूसरा खोज हुआ, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये कुंडली का थर्ड हाउस जो है वो इंगित करता है कि किस तरह से बच्चे आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी तक जितने भी शोध हुए हैं उनमें ये तथ्य सामने आया कि न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ी और दूसरा अनुवांशिक कारण की वजह से ये बीमारी सामने आती है। क्रोमोसोम की वजह से भी ये समस्या सामने में दिखाई पड़ती है। एफेक्ट ऑफ ऑटिज्म सिंड्रोम, चिल्ड्रेन हु हैव ऑटिज्म मे बी प्रोन टू एपिलेप्सी। मीजल्स इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ ए वायरस। दिस डिजीज लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन एंड डेथ ऑफ नर्व सेल्स। मेजल भी एक ऐसा समस्या है जो ब्रेन के नर्व्स, ब्रेन में वायरस इन्फेक्शन लाता है जिसकी वजह से कई एक सेल जो है वो मृतक प्राय हो जाते हैं और बाद में वो ऑटिज्म का रूप ले लेते हैं। TSC is a genetic disorder characterized by the formation of a tumor in the brain that affects the eyes, kidney, skin and heart. ऑटिज्म में ये भी समस्याएं हमको देखने के लिए मिलती हैं। ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, दिस कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मिसमैनेजमेंट ऑफ द माइलिन शीथ व्हिच लीड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ वाइट मैटर इन द ब्रेन। तो मस्तिष्क में माइलिन शीथ का कुप्रबंधन होना ये भी एक समस्या लाता है। दूसरा है लिपिड भंडारण रोग, ये जो है मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में अत्यधिक वसा का विषाक्त संचय हो जाने के कारण ये समस्या उत्पन्न होता है। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि ऑटिज्म का मुख्य कारण अभी भी ज्ञात नहीं हो पाया है। कभी कभी ये स्थिति बहुत तेजी के साथ बढ़ती है और कभी यह जीवन के चौथे वर्ष में दिखाई पड़ती है। कुछ इसे बचपन का दोस्त या बचपन का पागलपन भी मानते हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि मस्तिष्क में अमाइलाइड जमाव रोग का संभावित कारण हो सकता है। आमतौर पर यह बीमारी 2 साल के उम्र में शुरू हो जाती है, कभी कभी यह 4 साल के उम्र में भी पता चलता है। अब हमारे पास आता है कि क्या ये बीमारी से संबंधित कोई योग हमारे ऋषियों ने वर्णित किए हैं या नहीं। तो इसके लिए मैंने कुछ ग्रंथों का संकलन किया है। क्लासिकल योगा ऑफ सेक्रेटरी, फॉर दिस वी स्टडी सम एंशियंट टेक्स्ट इन विच देयर इज नो योगा रिलेटेड टू ऑटिज्म बट मेनी योगा रिलेटेड टू सेक्रेटरी आर फाउंड। यद्यपि ऑटिज्म से संबंधित कोई योग ऐसा उल्लेखित नहीं है हमारे प्राचीन ग्रंथों में, लेकिन मनोरोग से संबंधित कुछ तथ्य हमारे सामने आए हैं जिसको मैंने ऑटिज्म से संबंध करने का प्रयास किया है। उन ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ हैं जातक भूषणम, जातक तत्वम, जातक सारदीप, बृहद पराशर होरा शास्त्र, प्रश्न मार्ग, फल दीपिका, बृहद जातकम और सरावली। जैसे जातक भूषणम में ये कहा गया है कि इफ बोथ द लग्नेस एंड द मून आर फुली विजिबल फ्रॉम मार्स, लग्नेस एवं चंद्रमा ये दोनों मंगल से पूर्ण दृष्ट हो, दूसरा मर्क्यूरी इन द एसेंडेंट एंड द सन और सैटर्न इन द सेम प्लेस सेम राशि इन द सिक्स्थ हाउस और इन नवमांस, लग्न में बुध एवं षष्ठ स्थान में एक राशि में
या एक नवांश में सूर्य शनि हो, जातक घुष्णम में ऐसा कहा गया है। ये श्लोक 20 में ऐसा उल्लेखित है। दूसरा है जातक तत्वम के अनुसार, इफ सेकेंड लॉर्ड इज सिचुएटेड इन द 10th हाउस विथ सिंफुल प्लैनेट्स, देन इन फ्रंट ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी द इंटेलेक्ट बिकम्स रूट इंटेलिजेंस। यदि द्वितीय पाप ग्रहों से युक्त होकर दशम स्थान में स्थित हो तो मनुष्य जन समुदाय के सामने जड़ बुद्धि हो जाता है। इफ द थर्ड लॉर्ड इज विथ राहु, अगर तृतीय राहु के साथ हो तो व्यक्ति जड़ बुद्धि हो जाता है। तो जातक तत्व में श्लोक 20 से 25 के अंदर ये तथ्य उल्लेखित हैं। इसी तरह से एक और कहा गया है जातक सारदीप में, ऐसे तो अनेकों मनोरोग से संबंधित योग मिलते हैं, सबका उल्लेख यहाँ संभव नहीं है। तो चतुर्थ में पाप ग्रह पंचमेश व शनि साथ हो और द्वादश में पाप ग्रह हो तो माता के दोष से शारीरिक कमी आदि से संतति हानि होती है, ऐसा जातक सारदीप में कहा गया है। इसी तरह से बृहत पराशर होरा शास्त्र में श्लोक 12 में कहा गया है कि रोग अर्थात षष्ठ स्थान में पाप ग्रह हो, षष्ठेश पाप युत हो, साथ राहु और शनि कहीं भी हो तो जातक सदा रोगी होता है। नक्षत्र, नक्षत्र एंड डिजीज, वी हैव फॉलोड सम एंशियंट बुक लाइक बृहत यवन जातकम, बृहत पराशर होरा शास्त्र, जगन्नाथ राव, सम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशंस विच आर हेल्पफुल इनहेंसिंग मेंटल हेल्थ लाइक अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृक्षरा, आद्रा, पुनर्वशु, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, हस्त, मूल, श्रवणा, पूर्व भाद्रपद और रेवती। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी अश्विनी के बारे में। अश्विनी ये क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? हेड, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इनर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, बीमारी ये देता है हेडेक, मेंटल इलनेस, हेड इंजरी, इंसोमिया, ब्रेन एफ्लिक्शन, एक्सीडेंट, एपिलेप्सी, पैरालिसिस, मेनजाइटिस, सेरिब्रल हेमरेज, लॉस ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे इन नक्षत्रों को लेने का मेरा उद्देश्य यही है कि किस तरह से ये मस्तिष्क के पार्ट को एफ्लिक्ट करते हैं और जिसकी वजह से जातक इस बीमारी से इस के प्रभाव में आ जाता है। इसी तरह से भरणी, भरणी हेड को रिप्रेजेंट करता है, हेड, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इनर पार्ट्स ऑफ आईज, बॉटम पार्ट्स ऑफ फीट, और बीमारी देता है ये वेंट्रल डिजीज, फेस, हेड इंजरी, हाई फीवर, नर्व डिसऑर्डर, कैटरेक्ट एंड आई डिजीज। तो बहुत से बच्चों में मैंने देखा है कि हाई फीवर की वजह से अचानक बच्चे में उच्च ज्वर आ जाते हैं और जिसकी वजह से वो ठीक होने के बाद उनमें ये बीमारी के लक्षण नज़र आते हैं। शुरू में पेरेंट्स को पता नहीं चलता है कि आखिर में क्या हो रहा है और ये समझते समझते ही उनको देर हो जाता है। तो इसी वजह से इन नक्षत्रों को मैंने चयन किया है जो जातक के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और कहीं ना कहीं ये वाणी से संबंधित और आँख से संबंधित समस्याओं को इंगित करते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन अफेक्टेड बाय ऑटिज्म, इस पिक्चर को लेने का मेरा उद्देश्य यही है कि किस तरह से ये विभिन्न भाग मस्तिष्क के अंदर ये जो विभिन्न भाग हैं वो किस तरह से हमारे कुंडली के विभिन्न भावों को प्रभावित करते हैं, इसको मैंने विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया है ताकि साइंटिफिकली हम इस तथ्य को समझ सकें, सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली ही नहीं। इसलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी और साइंस
दोनों को जोड़ने का प्रयास किया है, ताकि अगर कोई भी चीज़ हमारे शरीर में अगर प्रभावित होते हैं या कोई भी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, तो निश्चित रूप से हमारे कुंडली का वो भाव एफ्लिक्ट होता है और कहीं ना कहीं वो भाव समस्या देता है। तो इसीलिए ये जो बच्चे का मस्तिष्क है, ऑटिस्टिक बच्चों का, इसको लेने का मेरा उद्देश्य यही था। जैसे पहला सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो यहाँ पे आप देखें कि ये रिस्पॉन्सिबल है, दिस आइडिया ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर मेंटल फंक्शन, जनरल मूवमेंट, रिसेप्शन एंड बिहेवियर रिएक्शन। तो ये जातक के पूरे व्यक्तित्व को इंगित करता है, किस प्रकार से ये अगर काम करना बंद कर दे तो उसके जातक के व्यवहार में अंतर आ जाता है। ये जातक का लग्न, हम जिसको कह सकते हैं एरिस फर्स्ट हाउस, जो पूरे व्यक्तित्व को, पूरे कैरेक्टर को इंगित करता है, अगर यही एफ्लिक्ट हो जाएगा तो जातक का पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है। तो ये जो भाग है मस्तिष्क का, ये उच्च स्तरीय दिमागी कार्य, सामान्य गतिविधि तथा व्यवहार, उसकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो स्वाभाविक है कि जातक का लग्न ही अगर प्रभावित हो गया तो वो जीवन में क्या कर सकता है। उसके बाद आता है अमाइगडला। ये पार्ट भी आप समझ सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इमोशनल रिस्पॉन्सेज इंक्लूडिंग एग्रेसिव बिहेवियर। ये सभी प्रकार के संवेदना, जैसे आक्रामक तथा तत्काल किसी घटना के लिए ये उत्तरदायी होता है। तो इसको भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कुंडली के भावों को प्रभावित कर रहा है। उसके बाद आता है हिप्पोकैम्पस। दिस मेक्स इट्स रेस्पॉन्सिबल टू रिमेम्बर न्यू इंफॉर्मेशन एंड रिसेंट इवेंट्स। इसका काम है नई सूचनाओं का संग्रह करना या याद करना, साथ ही नई घटनाओं को भी याद रखना। तो इसको भी आप समझ सकते हैं किस तरह से ये पार्ट कुंडली को प्रभावित कर रहा है। ब्रेन स्टेम, ये इट कंट्रोल्स द प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ द बॉडी एसेंशियल टू सर्वाइवल इंक्लूडिंग ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट। ये सेरिबेलम के आगे होता है तथा ये किसी प्रकार के संदेश को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है तथा शरीर को नियंत्रित करता है, जैसे श्वास लेना, हृदय की धड़कन। तो कुंडली का फोर्थ हाउस और कैंसर, कर्क राशि को हम यहाँ पर इंगित कर सकते हैं। इसके बाद सेरिबेलम आता है, ये मस्तिष्क के ठीक पीछे स्थित होता है। इट्स रेगुलेट्स बैलेंस बॉडी मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन एंड द मसल्स यूज फॉर स्पीकिंग। ये मस्तिष्क के पीछे स्थित रहता है। इसका काम शरीर के गतिविधियों तथा बोलने के मांसपेशियों को नियंत्रित करना है। तो कुंडली का सेकंड हाउस वाणी भाव और टॉरस राशि यहाँ पे हम ले सकते हैं। कॉर्पस कैलोसम, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन एंड अलाउज देम टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। तो ये जो पार्ट है कॉर्पस कैलोसम, ये संचार व्यवस्था को नियंत्रित करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कुंडली का थर्ड हाउस और मिथुन राशि किस तरह से हमारे कम्युनिकेशन को इंगित करता है। जो पीछे हमने बताया कि किस तरह से वैज्ञानिक ब्लू इलर और हंस एस्पर्जर ने अपने खोज के माध्यम से ये इंडिकेट किया कि बच्चों में सबसे प्रमुख समस्या होती है कम्युनिकेशन की, जो कि हमारे थर्ड हाउस से रिलेटेड होता है। इसके बाद है वशाल गैंगुला। इट हेल्प्स रेगुलेट ऑटोमेटिक मूवमेंट। ये ऑटोमेटिक शरीर के गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मस्तिष्क का ये पिक्चर कुंडली के विभिन्न भावों को रिप्रेजेंट करता है। कहीं भी पाप ग्रह का होना या पाप ग्रह से ग्रसित होना, वो भाव का कुछ न कुछ समस्या देता है। आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर ट्रीटमेंट के पहले किस तरह से मस्तिष्क में लाल पदार्थ भरे हुए हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो ट्रीटमेंट के बाद चेंज आया है वो इस तरह से मस्तिष्क है इस तरह का। असामान्य सामाजिक विकास, क्या लक्षण हो सकते हैं ऐसे बच्चों को पहचानने का, क्योंकि बहुधा ये होता है कि लोग सोचते ही रह जाते हैं कि बच्चे में क्या बीमारी है और ये एक लंबा समय निकल जाता है। तो कुछ लक्षण बताए गए हैं जैसे असामान्य सामाजिक विकास, साइन ऑफ ऑटिज्म, एबनॉर्मल सोशल डेवलपमेंट। इन बच्चों में जो विकास होता है वो सामान्य ढंग से नहीं होता है, उन लोगों के साथ जल्दी घुलमिल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए बहुधा बच्चों को समझने में ही काफ़ी समय लग जाता है कि इनमें क्या बीमारी है। और अक्सर देखने में ये आता है कि समझते समझते बहुत देर हो जाता है, तब ये करीबन 4 साल या 5 साल की उम्र में ये दिखाना शुरू करते हैं। दूसरा समस्या है असामान्य संप्रेषण, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अपने विचारों को ये सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वे रुचि एवं व्यवहार संबंधी सीमाएं। सबसे इनमें कमी ये होती है कि अगर आप किसी शब्द को इनके सामने दोहराते हैं तो ये उसी शब्द को रिपीट करते रहते हैं, बार बार एक ही शब्द को वो बोलते हैं। बौद्धिक स्तर, मेंटल लेवल, जैसा कि वैज्ञानिक कैनर का मानना है कि ऐसे बच्चों का बौद्धिक स्तर सामान्य होता है। वैज्ञानिक रटन ने भी 1967 के शोध में ये पता चला कि लगभग 3/4% ऐसे बच्चों का बौद्धिक स्तर सीमा बहुत ही कम होता है। स्वलिंगता को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। आखिर ये बीमारी बच्चों में क्या होता है, क्यों होता है? कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बच्चों के मस्तिष्क में संक्रमित होते हैं और जिसकी वजह से बच्चे इन बीमारी के शिकार हो जाते हैं। पहला है वंशानुगत स्थिति, जेनेटिक कंडीशन। इसके अंतर्गत फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फेनाइल क्यूटोन्यूरिया, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, न्यूरोफिब्रोमेटोसिस आता है। जैसे इसके अंतर्गत एक अगर हम एक्सप्लेन करें, फेनाइल क्यूटोन्यूरिया, ये जो है ये एक गुणसूत्रीय विकृति जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, ये व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला रासायनिक अमीनो एसिड में टूट नहीं पाता है, जिसके कारण शरीर में टॉक्सिन का निर्माण हो जाता है जो मस्तिष्क को क्षति पहुंचाता है। ये टॉक्सिन यूरिन में आता है। ऐसे बच्चों का प्रोटीन युक्त भोजन नहीं देना चाहिए, लेकिन यद्यपि माता पिता इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा सचेत नहीं रहते हैं। स्वाभाविक है, किसी को भी ये पता नहीं रहता है कि यही बीमारी बच्चे को है। तो परिणाम क्या होता है कि शरीर में प्रोटीन अपने आप ही बहुत ज़्यादा पनप जाता है, और जब ये प्रोटीन युक्त भोजन और भी इनको मिलता है तो यही जो है मस्तिष्क को क्षति पहुंचाना शुरू कर देता है और परिणाम स्वरूप बच्चे स्वलीन हो जाते हैं। इसी तरह से विषाणु का संक्रमण, वायरल इन्फेक्शन। इसके अंतर्गत जन्मजात रूबेला, जन्मजात साइटोमेगालोवायरस, हर्पिस इंसेफ्लाइटिस आदि है। तो इसके अंतर्गत हम हर्पिस इंसेफ्लाइटिस लेते हैं। ये जो बीमारी है ये विषाणु का संक्रमण कह सकते हैं। ये हर्पिस नाम का विषाणु ये ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चों के मस्तिष्क में संक्रमण के रूप में फैल जाते हैं, और इसे इंसेफ्लाइटिस भी कहा जा सकता है। ये वायरस से प्रभावित बच्चे वास्तव में स्वलीन तो नहीं होते हैं, लेकिन स्वलीनता से मिलता जुलता लक्षण इनमें पाया जाता है। इसी तरह से मेटाबॉलिक कंडीशन, यूरिन सिंथेसिस असामान्यता, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की असामान्यता, भोजन भी सही ढंग से नहीं प्राप्त होने पर इन बच्चों में ये समस्याएं आती हैं। यूरिन सिंथेसिस, ये बच्चे
इन बच्चों का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। अगर इनको इन संस्थानों में नहीं डाला जाए तो प्रॉपर इनका इलाज नहीं हो पाएगा और न ये उस ढंग से अपने आप को शिक्षित कर पाएंगे। जन्मजात विकृत सिंड्रोम इसके अंतर्गत कैनोरिया डिलिक्स सिंड्रोम, एनन सिंड्रोम, कॉफिन सीरिस सिंड्रोम ये सारे आते हैं। अब हमारे पास कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसमें बच्चे स्वलीन नहीं होते हैं लेकिन स्वलीनता से मिलता जुलता कुछ लक्षण पाया जाता है, जैसे इलेक्टिव म्यूटिज्म। ये जो होता है ये बालक में एक विशेष स्थिति में देखी जाती है, हमेशा नहीं। कोई कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें बच्चे अपने आप को किसी के सामने कोई शब्द या कोई भी तथ्य व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अटैचमेंट डिसऑर्डर, ये समस्या बच्चों के साथ होती है कि ये बच्चे अपने माता पिता के साथ किसी प्रकार का संबंध, आत्मीय संबंध विशेषकर स्थापित नहीं कर पाते हैं। विशिष्ट भाषा का विकार ये एक महत्वपूर्ण लक्षण माना गया है। इन बच्चों का एक अजीब तरह का भाषा होता है और ये अपने आप में ही उसी तरह के शब्दों को ये रिपीट करते रहते हैं। तो ये भाषा संबंधी समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है इनके साथ। मंद बुद्धि, बहुत से स्वलीन बच्चों के साथ मानसिक मंदता पाई जाती है। एटिपिकल ऑटिज्म, इसमें बच्चों में सिर्फ एक या दो लक्षण ही स्वलीनता के पाए जाते हैं। एस्पर्गर्स सिंड्रोम, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मन और बुद्धि का विकास सामान्य बच्चों की तरह होता है किंतु ये सामाजिक संबंध दूसरों के साथ स्थापित नहीं कर पाते हैं, अपने विचारों को किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। रेट्स सिंड्रोम, ये विशेष करके लड़कियों में पाया जाता है। कुछ तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी से ये समस्या लड़कियों में पाई जाती है, जैसे हाथ घुमा के लिखना या लिखावट में कुछ अजीब तरह का पेंसिल से स्केच खींचते रहना, ये सब समस्याएं पाई जाती हैं इनमें। डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चों में सामान्य विकास होने के पश्चात तेजी से सभी कौशल में गिरावट आ जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण लक्षण माना गया है। इन बच्चों के साथ जब मैं मिली थी तो मैंने देखा कि इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही दुखी थे। उनका कहना था कि बच्चे जब हुए थे तब सामान्य रूप से ये बहुत ही तेज थे पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में, फिर अचानक इनको फीवर हुआ और उसके बाद ठीक होने के बाद ये बच्चे अपने सामान्य गतिविधि से जो करते थे, सामान्य जो उनकी प्रक्रिया थी, दिनचर्या थी, उन सब में परिवर्तन आ गया। धीरे धीरे न तो ये बात समझ सकते थे न कम्युनिकेट कर सकते थे और ये समस्या उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी समस्या बनकर आई। जब ये लोग ऑटिस्टिक संस्थानों में गए तो ये उनको समझ में आया कि बच्चे जो हैं वो ऑटिज्म के शिकार हो गए हैं। इसके लिए मैंने इन विभिन्न कुंडलियों को लिया है। तो आप देख सकते हैं कि शुरू से लेकर अभी तक मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है वो हमारे कुंडली से मैच खाते हैं और हमारी कुंडली के विभिन्न भावों की ओर इंगित करते हैं। ज्योतिषीय विश्लेषण करने के लिए महर्षि पराशर ने 16 वर्गों के प्रयोग का समर्थन किया है। तो स्वलीनता के विश्लेषण के लिए मैंने 6 वर्ग कुंडलियों का प्रयोग किया है, जिसमें लग्न कुंडली सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जातक के संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचायक होता है। दृष्टांत कुंडली, वो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो विषय मेरा है वो बीमारी से संबंधित है, तो स्वाभाविक है कि 22वां दृष्टांत कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है बीमारी के संदर्भ में। नवांश कुंडली भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 64वां नवांश भी बीमारी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। द्वादशांश कुंडली, ये कुंडली
दी 12 कुंडली का षष्ठ भाव माता पिता से मिलने वाले वंशानुगत बीमारी को दर्शाता है। त्रिशांश कुंडली इसमें डी 1 के 6 लॉर्ड 8 लॉर्ड को हम परीक्षण करते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। डी 27 इसमें ग्रहों की सबलता और निर्बलता का परीक्षण किया जाता है। हाउसेज ऑफ डिजीज षष्ठ अष्ट एवं द्वादश भाव का कारकत्व। पैतृक हाउस आर जनरली कंसिडर्ड एज गिवर ऑफ डिजीज। वी कैन ब्रॉडली से दैट प्लैनेट्स इन ट्रिक हाउस लॉर्ड ऑफ ट्रिक हाउस एंड प्लैनेट्स हैविंग एसोसिएशन और एस्पेक्ट्स आर द गिवर ऑफ डिजीज। इवन मैलिफिक इन केंद्रा कैन इंड्यूस डिजीज। The sixth sign of natural zodiac Virgo is also giver of disease. We can summarize the disease giver as under planet placed in the sixth house, eighth house, and 12th house. Lord of sixth house, planets with sixth lord, planets occupying the nomansa of sixth lord or are with the sixth lord in nomansa. Planets aspected by sixth lord, planets in Virgo sign, lord of Virgo, the karaka of disease, malefic in Kendra. These are planets connected with eighth house. These are seven chidragraha. These are lords of eighth house, planet placed in eighth house, planets aspect eighth house, planets co-join with eighth lord. Bitter enemy of 8th Lord, Lord of 22nd Drishkana from Lagna, Lord of 64th Navamsa from Moon. When a Chidragraha is afflicted, it can become a Maraka. A benefic association or aspect will reduce the malefic effect. A troubled Chidragraha can give disease in its Dasa. Chidragraha दशाओं के दशा में चित्रग्रह की दशा अगर चले तो व्यक्ति विभिन्न रोगों से प्रभावित होता है। किसी भी बीमारी के उत्पत्ति में षष्ठ भाव का महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे युति हो या दृष्टि हो। रोग की वृद्धि उसकी जटिलता का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। द्वादश भाव का संबंध अस्पताल से है। बहुधा रोग की जटिलता परिवार में आपातकालीन स्थिति उत्पन्न कर देती है, जिससे रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। इस प्रकार बीमारी के संदर्भ में हम षष्ठ अष्ट द्वादश भाव के कारकत्व को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं प्राचीन ग्रंथों का अनुसरण किए हूँ, जिसमें भाव मंजरी, उत्तर कालामृत, जातक सारदीप आदि, और इसके लिए मैंने विभिन्न भावों का चयन किया है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ हाउस एंड मेष राशि। लग्न स्वयं जातक का व्यक्तित्व है। सेकंड हाउस वाणी भाव है, स्पीच का भाव है, तो स्वाभाविक है इसका एफ्लिक्ट होना। जातक अपने भावों को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा। थर्ड भाव, लग्न का थर्ड भाव जो है वो जातक के कठिन परिश्रम, मनोभाव और उसके रुझान को व्यक्त करता है। ये कम्युनिकेशन का भाव है। अगर ये भाव एफ्लिक्ट होता है तो जातक अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएगा। फोर्थ हाउस जो सुख शांति सामाजिक कल्याण का भाव है, आपसी संबंधों का भाव है, तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न होना जातक के सामाजिक संबंधों में समस्या खड़ा कर देता है। मेष राशि, मेष राशि सबसे महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में, क्योंकि ये ऊर्जा युक्त है, गतिशील है, रचनात्मक है और परिस्थिति के अनुरूप ढालने की क्षमता है, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता है और एम्बिशियस, तो इसका एफ्लिक्ट होना जातक के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। प्राचीन काल में इस बीमारी का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन मस्तिष्क संबंधित विकार मनोरोग का वर्णन मिलता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखों की तंत्रिका प्रणाली
उस वस्तु का वर्णन करने के लिए तत्पर हो जाती है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे उस वस्तु का वर्णन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का संबंध स्वलिंगता से है। ज्योतिष में मस्तिष्क का संबंध मंगल से माना गया है और तंत्रिका का संबंध बुध से है। विचारों का आदान प्रदान लिखने की क्षमता ऑटिस्टिक बच्चों में कमजोर होता है। बुध इसका कारक है, अतः इस ग्रह का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वाणी का कारक ग्रह भी यही है। अभी तक इस बीमारी के उत्पत्ति का कारण नहीं पता चला है। ऐसा माना जाता है कि मस्तिष्क में किसी तंत्र के दबने से दिमाग सही काम नहीं कर पाता है। विद्वानों का मानना है कि हमारे शरीर के मध्य में 7 चक्र होते हैं, जिसे वीति चक्र और क्राउन चक्र कहते हैं। यहाँ पर केतु स्थित हो तो बीमारी का सही परीक्षण नहीं होने देता है। एक्सप्लेन ऑफ हाउसेस। इफ द एसेंडेंट और लग्न इज जनरेटिंग मैलिफिक इम्पैक्ट, देन इट डायरेक्टली अफेक्ट द माइंड ऑफ अ पर्सन। विथ दिस, इफ द लॉर्ड ऑफ लग्न इज ऑल्सो मैलिफिक, देन दिस इज नॉट अ गुड for powerful personality. If there is impact of malefic Rahu or Ketu and sixth lord in Lagna, then it also enhance the intensity of problematic mind power. If the second house in birth chart is disturbed in any way or the lord of second house is malefic, then also it affects the speech power of a person. If the second house of Kundli is affected by malefic sixth lord Rahu or Ketu, or its lord is affected by malefic planets, then also the person is not able to make life in a better way because it affects the development. Third house of birth chart is also important because it is directly associated with strength, potential, and so if this house is not generating positivity, then person has to sacrifice a lot in life due to inability to develop personality at level waist. If the lord of third house and ascendant exchange house and both the lord are in malefic condition in horoscope, then this generates a very complicated position in life. If the third house is affected by malefic sixth lord Rahu or Ketu, or the lord of third house is affected by malefic Rahu or Ketu, then also it affects the personality in negative manner. If the lord of fourth house afflicted by malefic, then the happiness and social behavior is affected. With this, it is also observed that if the birth of child takes place in the transit of malefic planets, then the probability of having health issue increase very much. So in reality, then a first house, second house and third house, fourth house in birth chart are very closely related to the disease autism. The severity of problem may depend upon the power of malefic planets in Kundalini. Kundalini Vishleshan. How different parts of the brain represent different bhavas of horoscope. सबसे पहले मैं कुंडली में नक्षत्रों को हम एक्सप्लेन कर दें। किस प्रकार से ये ग्रह 6, 8, 12 भाव के ग्रहों के नक्षत्रों में स्थित है। सिक्स्थ लॉर्ड जुपिटर, सूर्य के नक्षत्र उत्तरासारा, 8th लॉर्ड सैटर्न, वो भी सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में, और सेकंड लॉर्ड सूर्य वो अपने ही नक्षत्र उत्तरासारा में स्थित है। बुध, थर्ड लॉर्ड बुध, राहु
ये दोनों ही श्रवण नक्षत्र में स्थित है तथा लग्न लॉर्ड चंद्रमा और फिफ्थ लॉर्ड मार्स शुक्र के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में और पूर्वाषाढ़ा में स्थित है। फोर्थ लॉर्ड वेनस स्वयं राहु के नक्षत्र में सद्भिषा में स्थित है तथा एट लॉर्ड सैटर्न से दृष्ट है। केतु अष्टमेश शनि एट लॉर्ड सैटर्न के नक्षत्र पुष्य में स्थित है। ग्रहों की स्थिति को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से इनके नक्षत्र स्वामी का संबंध आपस में 6, 8 और 12 के नक्षत्र स्वामियों से हो रहा है। ये सिक्स्थ लॉर्ड जुपिटर 7th हाउस में नीच का होकर बैठा है और साथ में सेकंड लॉर्ड सूर्य, थर्ड लॉर्ड मर्क्यूरी और राहु 7th हाउस में बैठकर ये लग्न को प्रभावित कर रहा है और साथ ही थर्ड हाउस को भी ये 6th लॉर्ड जुपिटर देख रहा है। ये साथ ही ये इंगित करता है कि जातक को कोई जटिल बीमारी है क्योंकि लग्न यहाँ पे पूरी तरह से अफ्लिक्ट हो रहा है 6th लॉर्ड से भी सेकंड लॉर्ड से। तो ये जो सेकंड हाउस और थर्ड हाउस यहाँ पर 6th लॉर्ड और 8th लॉर्ड से एफ्लिक्टेड हो रहा है तो ये इंगित करता है कि जातक स्वयं और साथ ही उसका सेकंड हाउस जो कि वाणी का भाव है, थर्ड हाउस जो कम्युनिकेशन का भाव है और फोर्थ हाउस जो कि सामाजिक संबंधों का भाव है वो यहाँ पर एफ्लिक्ट हो रहा है। इसी को हम अगर हम परीक्षण करें दृष्टांत कुंडली में तो आप देखेंगे कि D1 का 6th लॉर्ड जुपिटर अगेन यहाँ पर 11th हाउस में जाकर बैठा हुआ है। किसके साथ? तो 6th लॉर्ड सूर्य के साथ। वहाँ का 6th लॉर्ड D1 का 6th लॉर्ड यहाँ पर एकादश भाव में D3 के 6th लॉर्ड के साथ स्थित है और तथा राहु से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि बाणी कारक बुध राहु से यहाँ पे एफ्लिक्ट हो रहा है और D1 के 6th लॉर्ड जुपिटर से भी दृष्ट हो रहा है। तो बुध जो कि बाणी का भाव है वो अगेन यहाँ पर वो प्रभावित हो रहा है। और फिर आप यहाँ पे देखें कि मंगल जो मस्तिष्क का कारक है उसका संबंध यहाँ पर 6th हाउस से हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से नक्षत्र के माध्यम से ग्रहों का संबंध 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रहों से बन रहा है जो बार बार ये इंगित करते हैं कि जातक को कोई जटिल समस्या है। इसी तरह से हम एक और चार्ट लेते हैं अजित। यहाँ भी मैं पहले यहाँ नक्षत्रों को एक्सप्लेन कर देना चाहूँगी कि सूर्य यहाँ पर 12th लॉर्ड सूर्य यहाँ पर श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में स्थित है जो कि 11th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है और चंद्रमा अपने 8th लॉर्ड मंगल के नक्षत्र घनिष्ठा में स्थित है तथा केतु 12th लॉर्ड सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में स्थित है। यहाँ भी आप देखें कि नक्षत्रों का संबंध अगेन यहाँ पे 6, 8 और 12 से बन रहा है जो कि स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। लग्न लॉर्ड बुध 6th हाउस में राहु के नक्षत्र सद्भिषा में स्थित है तथा राहु 6th लॉर्ड शनि के नक्षत्र पुष्य में स्थित है। तो अगेन आप देखें कि सूर्य, चंद्र, केतु, राहु तथा षष्ठेश शनि से दृष्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें 5th हाउस में सूर्य, 12th लॉर्ड सूर्य, 11th लॉर्ड चंद्रमा और केतु दोनों यहाँ पर एफ्लिक्ट हो रहे हैं सैटर्न से जो कि 6th लॉर्ड है। सूर्य जो कि आत्मा का कारक है, चंद्रमा जो कि मन का कारक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जातक की जो ऊर्जा है
वो किस तरह से प्रभावित हो रही है, यहाँ पे मन उसका किस तरह से अफ्लिक्ट हो रहा है, और इनका संबंध 6 8 12 के लॉर्ड से हो रहा है। मंगल आप देखे अष्टमेश मंगल 8 लॉर्ड मार्स जो कि बादकेश गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में स्थित है, तथा गुरु यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र केतु के में स्थित है। इस प्रकार यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जातक को बीमारी का कारण इंगित करता है। इनका संबंध, इन ग्रहों का संबंध 6 8 12 के नक्षत्र स्वामियों से होना किसी जटिल बीमारी की ओर इंगित करता है। D12 को भी हम यहाँ पर परीक्षण कर सकते हैं। यहाँ D1 का जो 6th लॉर्ड शनि है वो यहाँ पे 7th हाउस में स्थित है चंद्रमा के साथ और राहु के साथ। तो यहाँ आप फिर देख रहे हैं कि किस तरह से चंद्रमा यहाँ एफ्लिक्ट हो रहा है, जो कि मन का कारक है, वो शनि से और राहु से प्रभावित हो रहा है। D12 का 6th लॉर्ड बुध अगेन यहाँ लग्न में बैठकर केतु से एफ्लिक्ट हो रहा है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मन और मस्तिष्क का कारक बुध का पीड़ित होना, चंद्रमा का पीड़ित होना, वो जातक को कुछ न कुछ गंभीर बीमारी की ओर इंगित करते हैं। यहाँ सूर्य अष्टमेश मंगल तथा द्वादशेश गुरु से दृष्ट है। यहाँ आप देखें सूर्य 8 लॉर्ड मार्स, तो अगेन यहाँ पर सूर्य जो है इससे 8 लॉर्ड से एफ्लिक्ट हो रहा है, और जो ये इंगित करते हैं कि जातक को कोई गंभीर बीमारी है जो जल्दी पकड़ में नहीं आ रही है। एक और कुंडली हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, आकाश। यहाँ भी आप देखें 6th लॉर्ड मार्स यहाँ 12th हाउस में स्थित है, सूर्य के नक्षत्र कृतिका में, सूर्य 3rd लॉर्ड है और बुध लग्न लॉर्ड बुध वो भी तृतीय सूर्य के नक्षत्र में, केतु मृगशिरा नक्षत्र में स्थित है, तृतीय बुध केतु ये दोनों ही मृगशिरा नक्षत्र में स्थित है। तो इस तरह यहाँ पे हम देखें कि लग्नेश बुध का तृतीय सूर्य और षष्ठेश के नक्षत्र में स्थित होना ये भी एक समस्या को इंगित करता है। चंद्रमा जो कि 2nd हाउस का लॉर्ड है वो द्वादशेश 12th लॉर्ड शुक्र के नक्षत्र पूर्वासारा में स्थित है, तथा शुक्र स्वयं अष्टमेश शनि के नक्षत्र चंद्र, और यहाँ आप देखें शनि सैटर्न के नक्षत्र शनि है हस्त नक्षत्र में स्थित है यहाँ पे। तो इस प्रकार लग्नेश बुध सूर्य चंद्र का संबंध 6 8 12 के नक्षत्र स्वामी से होना कोई गंभीर बीमारी को इंगित करता है। केतु का द्वादश भाव में बैठकर मंगल और शुक्र को एफ्लिक्ट करना ये बताता है कि जातक को कोई संक्रमित बीमारी, जिसका पहले मैंने उल्लेख किया है हर्पीस नाम की बीमारी का, संक्रमित बीमारी जो कि मस्तिष्क में छोटे छोटे बच्चों में संक्रमण फैलाते हैं, ऐसा यहाँ पे इंगित कर रहा है जो जल्दी पकड़ में नहीं आ रहा है। और 12th हाउस में बैठना मतलब अस्पताल का आश्रय लेना बिना उसके परीक्षण के संभव नहीं है। अब हम यहाँ पे एक और चार्ट लेते हैं इसी का, आकाश का D27। D27 में भी अगर हम देखें D1 का षष्ठेश मंगल
सिक्स्थ लॉर्ड मार्स यहाँ पर फिफ्थ हाउस में सैटर्न और केतु से एफ्लिक्ट है। मंगल जो कि मस्तिष्क का कारक है, उसका इस तरह से एफ्लिक्ट होना वो अगेन इंगित करते हैं कि जातक के मस्तिष्क में निश्चित रूप से कुछ न कुछ संक्रमण की बीमारी फैली है। नक्षत्रों की बात अगर हम करें तो मृगशिरा नक्षत्र जो है वो कान से संबंधित समस्या या सोर थ्रोट का बीमारी देता है। रोहिणी नक्षत्र जो कि निमोनिया तालू से संबंधित समस्या देता है। अश्विनी नक्षत्र जो मस्तिष्क संबंधी समस्या देता है। इसी तरह से हस्त नक्षत्र जो कि अभी यहाँ पे हमने देखा शनि हस्त नक्षत्र में स्थित है, जो उच्च रक्तचाप या धमनी नस से संबंधित बीमारी को इंगित करता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में स्थित है, जो रक्त का विषाक्त होना किसी तरह का इन्फेक्शन को इंगित करता है। श्रवण नक्षत्र पाचन संबंधी समस्या देता है। घनिष्ठा नक्षत्र जो यहाँ पर जो कि उच्च रक्तचाप और हाइपरटेंशन देता है। भरणी नक्षत्र मस्तिष्क में चोट लगना या हेड इंजरी या सेरिब्रल हेमिस्फीयर की ये समस्या देता है। इस प्रकार लग्नेश बुध सूर्य केतु का सिक्स्थ लॉर्ड के नक्षत्र में स्थित होना मृगशिरा नक्षत्र में ये किसी संक्रमित बीमारी का इंगित करता है। यहाँ आप देखें सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में है, फिर बुध मृगशिरा नक्षत्र में है, केतु मृगशिरा नक्षत्र में है, तो ये इंगित करता है कि जातक को कोई ना कोई संक्रमित बीमारी जिसको हर्पिस वगैरह कहते हैं ये होने की संभावना नजर आ रही है, जिसका अगर सही समय पर उपचार न किया जाए तो ये बीमारी स्वलिंगता का रूप ले लेगी। इसी तरह से एक और चार्ट हम यहाँ पे लेते हैं यशवर्धन। यहाँ हम देखें कि लग्नेश गुरु सिक्स्थ हाउस से संबंध बना रहा है और साथ में बाधकिस वक्री बुध राहु के साथ स्थित है। मंगल यहाँ पर 12 लॉर्ड मार्स लग्न में, 8 लॉर्ड चंद्रमा वो भी लग्न में और केतु से युक्त है, तो यहाँ साफ ही नजर आ रहा है कि लग्न 12 लॉर्ड और 8 लॉर्ड से संबंध बना रहा है और लग्न लॉर्ड जुपिटर 6 से संबंध बना रहा है। तो लग्नेश गुरु बाधकेश वक्री बुध ये दोनों ही मृगशिरा नक्षत्र में स्थित है, जो कि सिक्स्थ लॉर्ड है। और सिक्स्थ हाउस में हम देखें तो द्वितीय शनि सेकंड लॉर्ड सैटर्न और साथ में नाइन्थ लॉर्ड सूर्य ये दोनों रोहिणी नक्षत्र और अष्टमेश चंद्रमा के नक्षत्र में स्थित हैं। सिक्स्थ लॉर्ड शुक्र ये स्वयं अश्वनी नक्षत्र में स्थित है, यहाँ देखिए अश्वनी नक्षत्र में स्थित है। तो द्वादशेश वक्री मंगल अष्टमेश चंद्रमा केतु लग्न में स्थित है, तो इस प्रकार बाधकेश वक्री बुध सप्तम भाव में राहु से युक्त है। लग्न पाप प्रभाव में पूरी तरह से लग्न जो है वो पाप प्रभाव में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लग्न लग्नेश चतुर्थेश सेकंड लॉर्ड सैटर्न थर्ड लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस से संबंध बनाना, लग्न सेकंड थर्ड का संबंध सिक्स्थ हाउस से बनना वो अगेन एक जटिल बीमारी की ओर इंगित करता है। तो यहाँ आप क्लियर आप देख सकते हैं किस तरह से लग्न सेकंड थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस एफ्लिक्ट हो रहा है और सूर्य और चंद्रमा पूरी तरह से जो कि मन और ऊर्जा आत्मा का कारक है किस तरह से यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। अब इसी कुंडली को हम त्रिशांश में देख सकते हैं। त्रिशांश कुंडली में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि राहु केतु और चंद्रमा, यहाँ भी अष्टमेश चंद्रमा है वो लग्न में है
और लग्न किस तरह से पाप प्रभाव में स्थित है। यहाँ चंद्रमा, राहु, केतु और साथ में सैटर्न से भी दृष्ट है। तो सिक्स लॉर्ड यहाँ पर शुक्र बाद के वक्री बुध के साथ स्थित है। यहाँ थर्ड हाउस अगेन यहाँ पर एफ्लिक्ट हो रहा है। तो जातक का स्वास्थ्य, विचारों की अभिव्यक्ति, ये सब यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि ग्रह और नक्षत्रों का संबंध किस तरह से आपस में 6, 8, 12 लॉर्ड के साथ बन रहा है। जातक का लग्न सेकंड, थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जो उसके विचारों की अभिव्यक्ति, साथ ही कम्युनिकेशन या किसी बात को समझने की क्षमता, वो सब चीज़ यहाँ पर एफ्लिक्ट हो जा रहा है। तो वृक्षिरा नक्षत्र, जो आप पहले बता चुके हैं कि कान से संबंधित समस्या देते हैं, साथ ही अश्विनी जो है वो मस्तिष्क संबंधी समस्या देते हैं। तो इस प्रकार ये नक्षत्रों का संबंध इन भावों से होना, जो कि बीमारी के भाव हैं, वो किसी जटिल बीमारी की ओर इंगित करते हैं। निष्कर्ष, 100 कुंडली को हमने निम्नलिखित तरीके से परीक्षण किया और इस प्रकार 72 प्रकार से कुंडली को देखने के पश्चात इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि जातक में ऑटिज्म की बीमारी है, जिसमें 86% कुंडली ऑटिज्म से प्रभावित है। शोध के लिए मैंने कुछ प्रमुख ग्रंथों को लिया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: जातक भूषणम, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र, जातक तत्वम, जातक सारदेव, बृहद जातकम, बृहद पराशर होरा शास्त्र, सारावली, जातक पारिजात, प्रश्न मार्ग, वीर सिंहावलोकम, चरक संहिता। थैंक यू। मैडम हो गया?